नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्ट्रा हिंदी में। मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए अपना स्पेशल सेगमेंट पिक्चर की कमाई या पिक्चर की पिटाई, जिसमें हम बताते हैं कि जो भी फिल्म रिलीज हुई है नई नई उसे आप देखें तो क्यों देखें, नहीं देखें तो क्यों ना देखें। इस हफ्ते रिलीज हुई है फिल्म मुक्ति भवन। अब मुक्ति भवन किस तरह की फिल्म है आपको लगेगा, बड़ी धार्मिक सी फिल्म है। धार्मिक नहीं है साहब, बड़ी फिलोसॉफिकल फिल्म है। तो इसे देखें ना देखें, इस सवाल का जवाब हम अभी देते हैं इसी वक्त। जैसे कि बहुत सारी सभ्यताओं में होता है कि पैदाइश जो होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी खुशी मनाई जाती है, बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार किया जाता है। और वैसे ही मौत को भी कभी कभी सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर मौत को बुरा नहीं माना जाता, मोक्ष की प्राप्ति की कोशिश की जाती है, हर प्रयत्न जो है मोक्ष की तरफ होता है। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बड़े ही एंटरटेनिंग तरीके से परोस सकें तो आप बड़े सफल फिल्म मेकर हैं। और कुछ ऐसा ही है मुक्ति भवन में। एक बुजुर्ग आ रहे हैं जो चाह रहे हैं कि भैया मुझे ले चलो वाराणसी, वहाँ पे मुक्ति भवन है, 15 दिन तक मैं वहाँ पे रहूँगा और मौत का इंतज़ार करूँगा, 15 दिन में मौत आ ही जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मौत ही है क्या? नहीं, वो उन सारे सवालों से जूझती हुई फिल्म आगे बढ़ती है और बड़ा हंसी आती है बीच बीच में, क्योंकि परिवार है, मियाँ बीवी हैं, बच्ची है, दादाजी हैं, तो उनके बीच की जो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कि वो औरत पूछती है अपने पति से कि अब तुम अपने पिता को लेके जा रहे हो मुक्ति भवन तो कितने दिन लग जाएंगे। अब वो कैसे बता सकता है कितने दिन लग जाएंगे, मतलब मौत के ऊपर किसका अख्तियार है। और मुक्ति भवन के ऊपर भी का भी एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी कंडीशन है कि 15 दिन आप यहाँ पे रह सकते हैं, 15 दिन में मरे तो मरे, नहीं मरे तो जिंदा वापस घर चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत एंटरटेनिंग लगती हैं और बहुत फिलोसफिकल लगती हैं। बहुत सारे सवाल जो ज़िंदगी से हम जूझते हैं ना, इन सवालों से, उन सवालों के जवाब भी इसमें मिलते हैं। तो कहीं पर भी पूरी तरह से सीरियस फिल्म नहीं है, कहीं भी पूरी तरह से कॉमेडी नहीं है, लेकिन हाँ, फुल ऑफ लाइफ है ये फिल्म। आर्ट हाउस सिनेमा की तरफ है इसमें, मतलब वो कमर्शियल मसाला तो है नहीं कि ढिंका चिक्का कोई नज़र आ, कुछ वैसा वाला हिसाब किताब नहीं है। तो आप अपना इत्मीनान से समय निकालें, यार दोस्तों के साथ जाएं और इस फिल्म को देखें। और मौत बहुत बुरी चीज़ नहीं होती है साहब, मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, कितनी ज़रूरी चीज़ होती है, उस तरफ भी ये फिल्म जो है वो इशारा करती है। तो उस खुले दिमाग से इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। जितनी तारीफ़ मैंने करनी थी, जितनी बातें मैंने करनी थी आपसे कह दी हैं, अब आप तारीफ़ करिए या बुराई करिए मेरी या हमारे सेगमेंट की, मतलब अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें अल्ट्रा हिंदी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते एक अच्छा रिव्यू आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि एक अच्छा रिव्यू आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है। वो बड़े बुजुर्ग तो कह के गए हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है। तो जो कहना था मैंने कह दिया। डू सब्सक्राइब अल्ट्रा हिंदी।